आईडिया लग नहीं वर्क हो रहा है। कहाँ से हैं आप? आगे बढ़ से स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट है। तो आप ये बताइए हमको, आपके यहाँ कौन कौन से लोको बन रहे हैं? यहाँ पे लोगों स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोग कुछ बताएंगे जानकारी अच्छी अच्छी। और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान में रखते हुए कुछ पूछेंगे। देखिए यहाँ पर हम बैठे हैं उन लोगों से और कुछ पूछेंगे ये महाशय से। तो यहाँ बैठे हुए हैं तो सभी से सारा क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करके पूछा जाएगा रेलवे के बारे में। तो उनके यहाँ कौन कौन से रेलवे बन रहे हैं आप लोग उसको नोट करिए। और फिर से अगर आपके यहाँ डीजल इंजन बन रहा है तो कितने सिलेंडर का है, HHP है, लोको है, एल्को है, कितने टाइप के बन रहे हैं तो जानते हैं। चलिए पहले हम शुरू करते हैं। हमारे सामने हैं विनोद जी, तो उनसे हम पूछते हैं। इंटरव्यू टाइम शुरू होता है तो सर विक्रम सर आप क्वेश्चन करेंगे विनोद सर से। थोड़ा बहुत तेज़ी में स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट है। तो आप ये बताइए हमको, आपके यहाँ कौन कौन से लोको बन रहे हैं? यहाँ पे लोको बनता है, इलेक्ट्रिकल लोको बनता है, डीजल लोको बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक में तुम्हारा WAP 7 बनता है, WAG 9 बनता है, WAG 9 में SCC होता है, SC होता है, दूसरी जो होती है WAG 9 के बारे में आप ये बताइए कोको स्विच के बन रहे हैं या कोको स्विच के? अच्छा, ये डीजल इंजन जो बनते हैं हमारे यहाँ रिक्वायर्ड बनते हैं तो नाम बताएंगे। कितने सिलेंडर बनते हैं? 16 सिलेंडर हो गया, 12 सिलेंडर हो गया, ज़्यादा एकदम 16 सिलेंडर हो गए। ये बताइए जो आपके यहाँ पहला डीजल इंजन बना था उसका नाम क्या? कुंदन। इसमें 8 सेंटीमीटर। क्योंकि जनरेटर काम नहीं है उसमें, क्योंकि पेंडा का द्वारा उसको करंट मिल जाता है। अच्छा, आपके लिए ये सब थोड़ी है, किस वर्क पे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो WAG9 और WAG7? प्रोपल्शन सब्जेक्ट पे काम करता है। मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, ये उन्हें वो वर्क कैसे करता है, कैसे बिजली कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे ट्रैक्शन कंप्यूटर है हमारा, वो गाड़ी जो पेंडा का हमारा इंजन है आपके सामने, और इस इंजन को रोटेट करने के लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कौन से प्रिंसिपल की वर्क करेगा कि आगे चलेगा? मेरे को मोटी मोटा बता देते मतलब क्या क्या कैसे मेजर करते हैं। इससे पहले बैटरी से स्टार्टअप करें तो पेटाग्राफ हो, फिर पेटाग्राफ उठेगा तो फिर टच होगा उस पर वायर पर 25,000 वोल्ट देते हैं, फिर वहाँ से करंट आएगा, करंट आने के बाद ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर उसको कन्वर्ट करेगा, एकदम अच्छे से सर क्वेश्चन करिए। बढ़िया, बिजली के हिसाब से बदला जाता है।